हाँ बने किनारे किन हम लोग को जैसे काम करने दीजिए। चर्चा करेंगे कि इंद्र भगवान प्रसाद है ठीक है कि नहीं, हम लोग पेड़ लगाएंगे, प्रकृति की पूजा करेंगे, सब सब लोग भाई गाइएगा। क्या कार्यक्रम आज यहाँ पे? आज हम लोग सावन महोत्सव मना रहे हैं और हम लोग का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक हम लोग पौधे लगाएं और अपने देश को हरा भरा बनाएं। इसीलिए हम लोग पहले तो हम लोग आए वहाँ से, हम लोग का शुरुआती हुआ है वहाँ से, साइकिल रथ हम लोग का निकला और उसमें हम लोग जेंट्स लोग महिला पे बरसाए हैं, महिला लोग पौधे लेकर के आए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सारे महिला लोग मिल करके गीत वीत गाए हैं सब लोग और उसके बाद हम लोग पूजा पाठ किए ताकि वर्षा हो, क्योंकि अभी बहुत दिनों से वर्षा नहीं हो रही, सावन का महीना आधा बीत गया है, इसलिए हम चाहते हैं कि वर्षा हो। तो इसीलिए हम लोग पहले पूजा किए, इंद्रदेव को मनाए, उसके बाद हम लोग हम सब महिला मिल करके कम से कम 100-150 से ऊपर ही पौधा का रोपण किए हैं हम लोग सभी मिल करके। और हम लोग चाहते हैं कि हमारा देश हरा भरा हो ताकि हम सुरक्षित रहें, हमारे समाज सुरक्षित रहे, हमारे संसार सुरक्षित रहे। इसीलिए हम लोग का उद्देश्य है कि हम लोग अधिक से अधिक पौधा लगाएं और अपने समाज और अपने देश को हरा भरा बनाएं और हमारा यही लक्ष्य है, हम यही संकल्प लिए हैं। आज हम सभी महिला मिल करके, नारी शक्ति मिल करके हम सभी ने पौधे लगाए हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा परिवार, हमारा समाज सभी लोग खुशी रहे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो अधिक से अधिक वर्षा दे ताकि हमारे देश में जो किसान लोग को ये हो रही है उस चीज से थोड़ा राहत मिले। और हमको कहना यही है कि पौधा अधिक से अधिक लगाइए, बस मेरा यही कहना है कि पौधा अधिक से अधिक लगाइए ना। और इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि सभी को यही विनती है, प्रार्थना कर रहे हैं, हम बहनों से नहीं भाइयों से भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग सभी मिल करके पेड़ पौधा लगाइए, ठीक न, पेड़ ही पेड़ लगाते चलिए और धरती को स्वर्ग बनाते ही चलिए, यही मेरा लक्ष्य है। मेरा नाम नीलम पासवान हुआ, मैं 12 आज यहाँ पे कार्यक्रम महिलाओं के द्वारा हो रही थी, सावन माह के शुभ अवसर पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम जिसमें हम भी सम्मिलित हुए और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे देश के पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी जागरूक हो रही हैं और होनी चाहिए, क्योंकि अभी विगत कुछ दिन पहले ही हम लोग का पर्यावरण दिवस भी समाप्त हुआ है, जो 40 वर्ष पहले पर्यावरण दिवस के अवसर पर कंटिन्यू मनाते आ जा रहा है, लेकिन आज भी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि जिस तेजी से पेड़ का कटाव हो रहा है और नगरीयकरण हो रहा है, जिसके अनुपात में आज भी वृक्षारोपण नहीं हो रही है, लेकिन तमाम देशवासियों को जागरूक होने की जरूरत है और साथ ही साथ सरकार की पॉलिसी जो है, पर्यावरण विभाग है, उसको भी जनता के द्वारा उनको सूचित करने की जरूरत है कि आप भी इस कार्य में